गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, सभी को जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है, ये सब मैं क्लास शुरुआत करने चाह रहा हूँ आरएसक वाल की एक्सरसाइज बी, अर्थमेटिक में जितने चैप्टर हैं सबकी एक्सरसाइज बी का एक एक सवाल का मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और आपको ईमानदारी से एक एक सवाल आपको लगाना होगा। एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा है, लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक दिन में एक एक्सरसाइज समाप्त होगी। ये पहला वीडियो है, नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किताब निकाल लीजिए, आरएसक वाल की बी एक्सरसाइज देख लीजिए, 25 सवाल है उसमें, सारे 25 क्वेश्चन एक ही वीडियो में समाप्त होंगे। चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आपके सामने क्या है, पहला क्वेश्चन देखें, सवाल देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा क्या है। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग 8 है, इनके वर्गों का योग 34 है, संख्या ज्ञात करें। इनके वर्गों का योग कितना है? 34 है, संख्या ज्ञात करें। देखो, एक संख्या को 4 से भाग दिया जाता है, तो यहां पर जितनी बार भाग गया ये भागफल होगा और जो रिमाइंडर बचा ये यहाँ पे क्या होगा? शेषफल होगा। अच्छा, उसने बोला है कि भागफल और शेषफल का जो योग है वो 9 है, कितना है? सॉरी 8 है, ठीक है। तो जितनी बार भाग गया हमने इसको x माना, इसको क्या माना? y माना। और यहाँ बोला है कि x प्लस वाई का मान 8 है और उनके वर्गों का जो योग है, वर्गों का योग वो आपको 34 बोला है। कितना बोला है? 34 बोला है। थोड़ा दिमाग लगाइए। देखो, 4 से भाग दे रहा है तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी रिमाइंडर, ये तो 4 से कम होगी ना, ये समझते हैं ना। 4 से भाग दे रहा है, जो रिमाइंडर होगा 4 से कम होगा, मतलब 3 हो सकता है, 2 हो सकता है या 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 से अधिक तो नहीं हो सकता, ना ही 4 हो सकता है। अब सुनो, अगर यहाँ 3 होगा, अब थोड़ा सुनो, इनके वर्गों का योग कितना है? 34 है। तो एक नंबर को मैक्सिमम आप अगर 5 मान लो, क्या मान लो? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अगर ये 5 है तो ये क्या है? 3 है, तो आपका 34 बन गया। लेकिन 6 तो नहीं मान सकते ना, 6 क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि 6 का स्क्वायर ही क्या होता है? 36 होता है। तो उसने बोला क्या है? इनके वर्गों का योग 34 है, हमें इस कंडीशन को भी फॉलो करना था। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हुआ? x का मान आपको 5 मिल गया है और y का मान 3 मिल गया है, संख्या पूछी है। तो 4 पंचे 20 और 3 कितना? 23। तो आपके क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर है 23, तो आपका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 23। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक 3 अंकों की बनी संख्या के अंकों का योग 6 है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है, यदि मध्य अंक से दोनों अंकों के औसत के बराबर है तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो पहले आप लोग थोड़े कॉन्सेप्ट सीखिए ताकि आपसे गलती ना हो, तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो जब भी आपको एक 2 अंकों की संख्या दी जाए, 2 अंकों की संख्या मतलब 2 डिजिट नंबर, तो देखो इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये वाई है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये 10x है। तो संख्या यहाँ पे क्या है? 10x प्लस वाई है। इसके स्थानों को पलट दें तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। अगर आप इसका योग करें, एडिशन करें, तो मिलेगा 11x और 11y, कॉमन कितना आ गया? 11। तो क्वेश्चन का पॉइंट क्या बना, सवाल क्या बना, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक दो अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का जो योग होता है वो 11 से कटता है, ये आपका पहला पॉइंट बना। क्वेश्चन सुनिएगा, एक 2 अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का जो योग होता है 11 से डिविजिबल होता है, पहला पॉइंट। अब दूसरा सुनना, दूसरा समझना, एक 2 अंकों की संख्या, इसका स्थानीय मान क्या है? वाई है। इसका स्थानीय मान क्या है? 10x है। तो संख्या क्या हो गई? 10x प्लस वाई। अगर इसके स्थानों को पलट दें तो क्या बन जाएगा? 10y प्लस एक्स बन जाएगा। अब क्या करो, इसका अंतर ले लो, अंतर क्या हो जाएगा? 9x माइनस 9y। तो अंतर जो कटता है वो हमेशा 9 से कटता है और योग जो कटता है हमेशा 11 से कटता है। तो ये बात सभी को समझ आ गई होगी, आप लोग इतना कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या बनेगा इसी में, तो इसमें जो अगला पॉइंट बनेगा वो क्या होगा? ये था आपके, मैंने 2 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट क्या था? एक 2 अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का जो योग होता है, योग वो 11 से कटता है और जो अंतर होता है वो 9 से कटता है।
तीसरा पॉइंट यहाँ पे इस क्वेश्चन में लगना है, एक तीन अंकों की संख्या ये एक्स वाई जेड है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये जेड है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये 10y है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये 100x है, संख्या क्या हुई 100x प्लस 10y प्लस जेड। अगर इसके स्थानों को पलट दें तो आप कुछ ऐसा लिखोगे, इनके स्थानों को पलट दिया तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है x है, ये क्या है 10y है, और ये क्या है 100z है, ये आपकी संख्या हो गई। अब आप इसका अंतर ले लें, आपने इसका अंतर लिया तो ये क्या हुआ, ये y कट जाएगा, 100x में से x गया तो 99x माइनस 99y, तो 99 क्या आ गया कॉमन, x माइनस y किससे कटेगी संख्या 99 से। उम्मीद है आप सभी को ये पॉइंट समझ में आया होगा, पॉइंट दोबारा सुनिएगा, एक तीन अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का जो अंतर होगा वो हमेशा 99 से भाज होगा। कैसे किया ये आपके सामने है, अब क्वेश्चन देखें, सवाल समझें। क्वेश्चन ये कह रहा है एक तीन अंकों की संख्या, एक थ्री डिजिट नंबर एक तीन अंकों की संख्या है x प्लस y प्लस z, इसका जो योग हमसे बोला गया है 6 बोला गया है, क्या बोला गया है 6। अब कह रहा है अंकों को x y z लिखें, अब कह रहा है अंकों से पलटने से मूल संख्या से 198 अधिक है, तो एक मूल नंबर एक्स वाई जेड हुआ, इसमें 198 जोड़ दें तो इसके अंक क्या होते हैं पलट जाते हैं, ये बात आप सभी को पता है, यह भी आपने सीखा कि एक तीन अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का जो अंतर होता है वो 99 से भाज्य होता है। अच्छा अब ये बताओ 99 जो बचा था 99 से भाज्य होता था, यहाँ पे माइनस में वाई वाई कट गया था, एक्स माइनस जेड बचा था, अब बताओ दोनों का अंतर जो हमें 198 बोला गया है अब इसे 99 से भाग दे दें तो 2 मिल जाएगा, तो यहाँ क्या मिला x माइनस जेड का मान जो मिला वो हमें 2 मिला, मतलब इकाई और सैकड़े के मान का जो अंतर होगा वो कितना होगा 2 होगा। अब बाकी क्या बोला 20 वाला अंक शेष दोनों के औसत अंक के बराबर है, तो जो 20 वाला अंक है उन दो शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप कुछ भी एज्यूम कर, थोड़ा एज्यूम कर लो, बहुत आसान है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 2, अब वो ये कहना चाह रहा है कि जो y का मान है दोनों मानों के अंकों के औसत के बराबर है, हम ऐसा भी लिख सकते थे कि 2y बराबर x प्लस जेड है, 2y बराबर क्या है x प्लस जेड है। अब देखो इन सभी का जो योग है, इन सभी का योग 6 बोला है, कितना बोला है 6, तो जब सभी का योग 6 बोला है तो y का मान जो यहाँ से आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा 3, तो देखो यहाँ पे अगर तो आपको ये बात समझ आ रही है, उसने बोला है 2y बराबर x प्लस जेड, x प्लस जेड, तो जो 2y का मान है वो x जेड के मान के क्या है बराबर, देखना अब इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर कितना है यहाँ पे 2 का, ये 2 कैसे आया वो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखो 3 और 1 कितना होगा 4, अगर 3 × 4 हुआ, 4 का औसत क्या हुआ 2, औसत के बराबर हो गया, अब इसमें 198 जोड़ो, तो आपने 198 जोड़ा तो इसके अंक पलट भी गए। अगर बोला जाए मूल संख्या कौन सी है तो आंसर क्या है 123, नई संख्या कौन सी है 331, तो अगर बोला जाए पहले की संख्या 123, नई संख्या 321। उम्मीद है कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो क्लिक कर लें, जैसा भी आप कर सकते हैं कर लें, लेकिन आप ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन लगाइएगा, अगर आपका एम UPSI का है SSC का है तो एक्सरसाइज बी के आपको एक एक सवाल ईमानदारी से लगाना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सारे सवाल अच्छे सवाल हैं और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप नहीं कर पाएंगे, तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, एक एक क्वेश्चन लगाइए, समझिए। किसी परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या फेल होने वाले छात्रों की संख्या की 4 गुनी थी, यदि कुल 35 छात्र कम होते तो 9 विद्यार्थी अधिक फेल होते तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात 2:1 होता, कुल परीक्षार्थियों की संख्या, सुने एक परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या फेल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या की 4 गुनी, ऐसा उसने बोला, तो हमने क्या किया, हमने टोटल विद्यार्थियों को 5x मान लिया, 5x मान लिया, कुल विद्यार्थी कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हमने माना ये x है, ये क्या हो गया 4x हो गया, कुल कितना हो गया 5x हो गया। अब कह रहा है कुल विद्यार्थी 35 कम होते तो 5x से 35 कम होते ये हो गए टोटल नए विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, और 9 विद्यार्थी अधिक फेल होते तो 9 विद्यार्थी अधिक फेल होते, 9 विद्यार्थी अधिक फेल होते, टोटल विद्यार्थियों में घटा लिए फेल वाले, कुल विद्यार्थियों में घटा लिए फेल वाले, तो कौन बचेगा पास वाले,
5x में से जब x गया तो कितना बचा 4x, ये माइनस है और ये भी माइनस साइन हो गया तो -44। ये विद्यार्थी जो आ गए वो पास वाले आ गए। अब उसने आगे क्या बोला है, तो पास और फेल, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात 2:1 होता, तो यहाँ पे पास वाले ये हैं लेकिन फेल वाले क्या हैं, समय x प्लस 9 है। क्यों, 9 पहले से ज़्यादा फेल होते, ऐसा उसने बोला है कि 9 विद्यार्थी ज़्यादा फेल होते हैं, तो इसका रेशियो क्या होता, 2:1 होता। आपने इसको सॉल्व किया तो ये मिल जाएगा 4x माइनस का 44 और ये क्या मिल जाएगा 2x प्लस का 18। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि 2x बराबर इसको उधर भेजा तो 62, तो x का मान मिला 31। x का मान कितना मिला 31, x का मान 31। उसने पूछा है कुल विद्यार्थी, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 5x, x का मान 31, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 155। आपके क्वेश्चन का आंसर है 155। उम्मीद है सभी लोग सीख गए होंगे। आप वीडियो को रिकैप करके दोबारा देख सकते हैं, आप चाहें तो क्वेश्चन को दोबारा देख लें, लेकिन समझने की कोशिश करें, इसे सॉल्व करें। ठीक है, ठीक सवाल है, अच्छा सवाल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक्सरसाइज बी को सॉल्व करना सीखिए, एग्जाम का जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा ही है। वो यहाँ पे क्या बोलेगा, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या बोलेगा, अगर छात्रों की संख्या का ऑप्शन में दिया होता, हम क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं, हम आपको ऑप्शन से भी पढ़ाएंगे, पूरे क्लास नोट्स भी समझाएंगे, सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सीखिए, सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, और आरएसएक्वल की बी जो बी एक्सरसाइज है सारे चैप्टर की करा रहा हूँ, जितने तुम्हारा कोर्स है तुम्हारा, उस कोर्स में जितनी भी बी एक्सरसाइज है पूरी मैं आपको लाइन से करा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है, प्रत्येक कतार में 8 लड़के बैठे हों तो 6 लड़के बच जाते हैं, प्रत्येक में 10 बैठे हों तो 8 बच जाते हैं, प्रत्येक में 12 लड़के बैठे हों तो 10 लड़के बच जाते हैं, यदि 14 बैठे हैं तो कोई भी लड़का शेष नहीं बचता, लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो करने का मैथड देखो, सुनो, देखो अगर कभी आपको कोई ऐसा सवाल मिले कैसे करोगे, जैसे बोले एक संख्या को 4, 5, 6 से भाग देने पर 1, 2, 3 शेष बचता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या बताएं, तो मैथड क्या होगा, 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लें, सबके बीच का अंतर देखें, सबके बीच का अंतर है 3, सबके बीच का अंतर कितना है 3, 3 माइनस कर दें, क्वेश्चन का आंसर 57, खत्म हो गया। जैसे आपको बोला गया, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक संख्या को 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या बताओ। करने का मेथड वही है कि 12, 15, 16 का एलसीएम ले लो 240, सबके बीच का अंतर 5, आंसर 235 हो गया। क्वेश्चन आपको ये बोला जाए, एक संख्या को 2 से भाग देने पर 1, 3 से भाग देने पर 2, 4 से भाग देने पर 3, 5 से भाग देने पर 4, 6 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या बताएं। तो 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम 60, सबके बीच का अंतर 1, क्वेश्चन का आंसर 59, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप लोग ये बात सीख गए होंगे, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब अगर आपको ये बात समझ आ गई तब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सवाल कहना ये चाहता है एक क्लास में 8 लड़के बैठे, एक कतार में 4 लड़के बैठे तो 6 लड़के बच जाते हैं, लेकिन जब 10 लड़के बैठते हैं तो 8 लड़के बच जाते हैं, और जब 12 लड़के बैठते हैं तो 10 लड़के बच जाते हैं। एक नई लाइन जोड़ी कि 14 की पंक्ति में बैठाने पर कोई भी लड़का शेष नहीं बचता। अब इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने चल रहा हूँ कैसे करना है। देखिए पहले 8, 10, 12 का एलसीएम ले लिया, 8, 10, 12 का एलसीएम 120 हुआ, सबके बीच का अंतर 2 हुआ, यहाँ एक क्वेश्चन के लिखा। इस क्वेश्चन के का मान तुम्हें ऐसा रखना होता है जिसको रखने पर जो नंबर मिले, जिसको रखने पर जो तुम्हें नंबर मिले वो जो नंबर है वो 14 से कट जाए, जो नंबर मिले वो 14 से कट जाए, ऐसा नंबर आपको मिले। ठीक है, अब सुनना, तो मेथड तो ये होता है कि के का मान 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख दो, लेकिन लास्ट ईयर का एग्ज़ाम SSC का एग्ज़ाम था, वहाँ पे के का मान 10 आ गया। अब के का मान 10 तुम कैसे एज्यूम करोगे, 1 से लेके 10 तक चेक करो तो बहुत लेंदी हो जाएगा, कैसे आसान करोगे, सुनो। अब 120 को 14 से भाग दो तो 14, 8, 112 बचा कितना 8K-2, 14 से भाग दिए 14, 8, 112 बचा कितना 8K-2, बराबर जो भी है वो 14 का गुणज है, बराबर जो भी है वो क्या है 14 का गुणज है, और 14 का वो गुणज है जिसमें 2 ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 प्लस करने पर नंबर 8 से कट जाए,
14 का वो गुणज चाहिए जिसमें दो जोड़ने पर नंबर किससे कट जाए, 8 से कट जाए। इस दो को आपने जब इधर भेजा, 14 में दो जोड़ा तो 16 मिला, हाँ 16 मिला तो k का मान 2 आ गया। और कितना आसान हो गया, k का मान निकालना बहुत आसान है, लेकिन समझदार बनी है। ठीक, अब हुआ क्या, k का मान 2 आपने यहाँ रख दिया, 120 गुणे 2 माइनस 2, तो क्वेश्चन का आंसर 238, आपके क्वेश्चन का आंसर 238। उम्मीद है आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला, अगला क्वेश्चन क्या है देखें, किसी परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर लिया जाता है। यदि एक परीक्षार्थी ने 150 प्रश्नों के उत्तर दिए हों और उसे 80 अंक मिले हों, तो कितने प्रश्न सही किए और कितने गलत, करने का मेथड क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, उसने 80 प्रश्न किए, सही करने पे 2 नंबर मिलते हैं, गलत करने पे 1 अंक काटा जाता है, नंबर मिले हैं 80, अंक जो मिले हैं वो कितने मिले हैं 80। आप इस क्वेश्चन को बेसिक भी कह सकते हो, आप इसे एलिगेशन से भी कह सकते हो, उसके बहुत सारे मेथड है। ठीक है, अभी कल सीखेंगे एलिगेशन, सुनना। अगर ये 80 प्रश्न सारे सही हो जाएं तो नंबर मिलेंगे 160, अगर 80 सारे सही हो जाएं नंबर मिलेंगे 160, 80 सारे गलत हो जाएं तो नंबर मिलेंगे माइनस के 80। ये बात समझ आई ना। अब उसने बोला है मिले कितने हैं 80, मिले कितने हैं 80। देखो ये है माइनस, ये है प्लस, अंतर आएगा 160। जैसे प्लस 2 माइनस 2 का अंतर क्या है 4, प्लस 5 माइनस 5 का अंतर क्या है 10, तो ऐसे माइनस 80 प्लस 80 का अंतर हो गया, इसके बीच का अंतर आएगा 80 का रेशियो जो आ गया वो 2:1 आ गया। कितना आ गया, 2:1। क्वेश्चन कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, एक बार दोबारा देखें, एक बार दोबारा समझें। ठीक है, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन गड़बड़ क्या हुआ है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न 80 नहीं है, प्रश्न 80 नहीं है, प्रश्न कितने हैं 100, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। टोटल प्रश्न कितने हैं 100, नंबर मिले हैं 80, नंबर मिले हैं 80। चलिए दोबारा समझ लीजिए, अगर ये 100 क्वेश्चन, ये जितने भी 100 क्वेश्चन हैं सारे सही होते तो नंबर मिलते 200, अगर ये 100 क्वेश्चन सारे गलत होते तो नंबर मिलते माइनस के 100, और नंबर जो मिले हैं वो मिले हैं 80, मिले हैं प्लस के, इसका इसका अंतर 180 हुआ, इसका इसका अंतर 120 हुआ, 60 से काटा 3, 60 से काटा 2। सही और गलत प्रश्नों की संख्या का अनुपात आंसर होगा 3:2, गलत और सही प्रश्नों का अनुपात 2:3, 3:2 5, 5 का मान 100 तो 1 का मान 20, 1 का मान 20 तो 3 का मान 60 और 2 का मान 40। कितने प्रश्न सही किए 60, कितने गलत किए 40। उम्मीद है आपको समझ आ गया, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको मेथड में कहते हैं एलिगेशन मेथड। अच्छा एक और समझाता हूँ, थोड़ा अगर आसान करना चाहते हो तो देखो सुनो, कुल प्रश्न कितने दिए हैं 100, सही करने के नंबर, गलत करने के नंबर, नंबर दिए हैं इतने, नंबर दिए हैं 80। ठीक है, क्या करना है, देखो अगर अगर तुमसे पूछे सही वाले, क्या बोले सही वाले, तो आप सभी क्वेश्चन को गलत मान लो, और जब बोले गलत वाले तो सबको सही मान लो। सुनना थोड़ा समझना, 100 क्वेश्चन को सबको गलत मानोगे संख्या आ जाएगी सही वाली, 100 क्वेश्चन गलत होते तो माइनस के 100 मिलते हैं, मिले हैं 80, अंतर हुआ 180 का, डिवाइड बाई अंतर है 3, आंसर आ गया 60, आंसर आ गया, और एक आंसर आ गया, अगला अपने आप आ गया। अगला अपने आप कैसे आ गया, कुल मालूम है, सही वाले आ गए तो गलत अपने आप आ गए। अगर आप सबको गलत मानोगे तो आंसर सही वाला आएगा, सबको सही मानोगे तो आंसर गलत वाला आएगा। ठीक है, इसके मेथड और भी हैं लेकिन इतना बहुत है, इतना आप लोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर 115 शेष बचता है, इस संख्या को 31 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो जो यहाँ पर नंबर मिला है उसने बोला है उस संख्या को 31 से भाग दें तो शेष क्या होगा। बच्चे की हमेशा याद रखिए, जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिया जाए, बहुत आसान सवाल होता है, बस दिमाग लगाना, पहले जिससे भाग दिया होगा अगली बार जिससे भाग दे रहा होगा, 99.9% आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा मल्टीपल ही बनता है, आपके क्वेश्चन में एग्जाम हमेशा मल्टीपल ही बनता है। तो बस ये इसका मल्टीपल है, 713 जो है वो 31 से कट जाएगा, मतलब मल्टीपल है। तो आपने क्या किया, 115 में ही 31 का भाग दे दिया, 31 से कितना हुआ 93, तो ये कितना मिला 2 और ये कितना 2, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है, रिमाइंडर कितना है 22, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे, आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 7। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि संख्या को 36 से भाग दें तो शेष क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पहले समझिएगा। उसने बोला इस संख्या को 36 से भाग दें तो शेष क्या है। अब आप इसे लिखो 683 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125, फिर माइनस है 643 की पावर 125, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 598 की पावर 125 डिवाइड बाई 36, रिमाइंडर पूछा है। देखो ये माइनस ये प्लस, ठीक है थोड़ा समझिए क्या यहाँ पे कट रहा है, एक बार देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिए, दोबारा समझ लीजिए। ये माइनस आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। हाँ ये जो वैल्यू है ये इससे कट गई, ये बात समझ आ गई ना। अब क्या करना है, 683 की पावर 125 माइनस 647 की पावर 125। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये लिखा है जैसे x और ये लिखा है y, पावर लगी है n, पावर कितनी लिखी है n। तो यहाँ पे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो आप सभी को पता ही है कि x की पावर n माइनस y की पावर n हमेशा x माइनस y से डिविजिबल होता है। पावर एक लो, पावर दो लो, पावर तीन लो, x y माइनस हमेशा बाहर आ जाता है, तो x माइनस y से भाज्य होता है और इन दोनों का अंतर भी क्या हो रहा है, 36 हो रहा है। और 36 से भाग देने को बोला है और 36 से भाज्य होता है तुम्हें मालूम है, और 36 से भाज्य होता है तो रिमाइंडर क्या है, जीरो। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है यहाँ रिमाइंडर होगा जीरो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बोला है इसके सार्वगुणज क्या हैं। ठीक है, सार्वगुणज उभयनिष्ठ गुणनखंड या मासा बोले कुछ ही बोले इसका मतलब वही होता है, वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई भी नंबर है, पावर जो है वो कैसी है, पावर कैसी है, ऑड नंबर है तो ये x प्लस वाई से भाज्य होती है। यहाँ पे पावर सम है तो ये x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों से भाज्य होता है। इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, x प्लस वाई। x का जो बेस है वो 527 है और y जो है वो 473 है, दोनों को जोड़ा तो 1000 मिला। आपके क्वेश्चन का आंसर है इसका सार्वगुणज क्या है, 1000। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखो सुनो, कह रहा है एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 3 को 8 पढ़ लिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 84 अधिक आ गया, 84 से गुणा करा दिया तो उसका उत्तर सही उत्तर से 5600 रुपये या 5600 अधिक आया, संख्या कौन सी है। देखो इस क्वेश्चन के टाइप को समझो, बहुत आसान होता है, बस टाइप को समझो कैसे करना होगा। एक विद्यार्थी को किसी संख्या से 34 से गुणा करने को कहा गया, उसने गलती से 34 को जो पढ़ लिया 84 पढ़ लिया। अब कॉमन सी बात है, उसने ज़्यादा पढ़ा है तो उसका उत्तर भी ज़्यादा आएगा, उत्तर भी ज़्यादा आएगा। अब उसने बोला क्या है, ये बताओ वो संख्या कौन सी है, कौन सा सुनना, जो करने को कहा जाए और जो कर दिया जाए, जो करने को कहा जाए जो कर दिया जाए, दोनों का अंतर ले लो, जो उत्तर कम या ज़्यादा आया उसमें भाग दे दो, क्वेश्चन का आंसर है। जो करने को कहा जाए जो कर दिया जाए, दोनों का अंतर ले लो, जो उत्तर कम या ज़्यादा आए वही क्वेश्चन का आंसर है। आपके क्वेश्चन का आंसर है वह संख्या कौन सी है, तो आंसर 112। आपके क्वेश्चन का आंसर है 112। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है बताइए इसके सार्वगुणज क्या हैं। देखो दोनों जो नंबर हैं वो नंबर की जो पावर है, वो नंबर्स की जो पावर है वो ऑड नंबर है, कैसी है, ऑड नंबर। एक बार देखिएगा समझिएगा कि जो दोनों नंबर हैं उनकी जो पावर है वो कैसी है, ऑड नंबर है। जब पावर ऑड नंबर है तो आपको पता है इन दोनों के बेस को जोड़ लो, तो ये हुआ 23, ये हुआ 19, 9 3 12 और ये हो गया 42। तो ये 42 का गुणज, जो भी इसका सार्वगुणज होगा वो क्या होगा, 42 का मल्टीपल या 42 या 42 से कटने वाला कोई नंबर। ठीक है, तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 42। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है 11 नंबर, देखिएगा सवाल समझिएगा कैसे करना है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ठीक है, क्या बोला है देखिए, क्या भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक ये होता है भाजक और ये होता है भागफल। अब ये जो है ये इसका 10 गुना, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, और तथा शेषफल का 5 गुना है, जो रिमाइंडर मिला उसका भाजक कितने गुना है, 5 गुना है,
ऐसा उसने बोला है। आगे क्या बोला है, यदि संख्या 46 है तो बताओ भाज्य क्या है। संख्या 46 है तो यहाँ पे शेष 46, तो 46 का जो 10 गुना हुआ, सॉरी शेषफल का 5 गुना था, तो 46 का जो 5 गुना हुआ वो 230 हुआ। 46 का जो 5 गुना हुआ वो क्या हुआ, 230 हुआ। अच्छा 230 किसका 10 गुना है, तो यहाँ पे 230 30 का 10 गुना है, ये बात तो समझ आ गई होगी। 230 किसका 10 गुना है, तो 10 का भाग दे दो कितना आ गया, 23 आ गया। तो आपको भाजक मिल गया, भागफल मिल गया, रिमाइंडर मालूम है, संख्या पूछा है, तो इसका गुणा इसमें 5290 प्लस क्या करना है 46, तो क्या हुआ 6 9 4 13 का 3, ये 3 और ये 5, क्वेश्चन का आंसर 5336, या आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है ये बात सभी को समझ आ गई होगी, सभी लोग इतना कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त योगफल 180, 197, 208 और 222 प्राप्त होता है, बताइए वे संख्याएं क्या हैं। थोड़ा ठीक सवाल है, सभी लोग समझेंगे सवाल को, कैसे करना है देखिएगा। 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं के लेने पर, तो हमने x, y, z 3 नंबर माने, नंबर हमने माने टोटल 4, x, y, z और a, ठीक है। तो 4 संख्याओं में 3 को लेने पर, तो x, y, z का मान दिया है 180, फिर लिखा है यहाँ पे y, z, a, इसका जो मान आपको बोला गया है वो बोला 197, फिर लिखा है z, a, x, इसका जो मान आपको दिया गया है वो आपको दिया है 208, फिर बोला गया है, फिर इसके बाद बोला गया है ए एक्स वाई का जो मान हमें बोला गया है वो बोला गया है 222। आपने सभी को जोड़ लिया, 8 और 2 10 10 और 7 17 कैरी 1, तो 8 9 17 2 19 और 1 कितना 20 कैरी 2 2 2 4 5 6 2 8, ये क्या हुआ। देखो एक्स भी यहाँ 3 बार मिला, वाई भी 3 बार मिला, जेड भी 3 बार मिला, सारे नंबर 3 बार मिले, तो आपने इसे दे दिया 3 से भाग, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान आ जाएगा 3 से भाग दे दिया, 3 दूनी कितना हुआ 6, 3 7 21, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 7 21, 3 से वैल्यू कट नहीं रही है, मतलब जोड़ने में कुछ गलती हो गई है। दोबारा एक बार देखिए, दोबारा समझिए, देखिए 8 2 10 7 17 का 7 हासिल 1, 8 9 17 1 18, 18 और 2 तो 18 2 20, सॉरी 18 2 कितना हुआ 20, कैरी कितना हुआ 2, 2 2 4 2 6 2 8, ये हुआ 807, ये क्या हुआ 3x प्लस 3y प्लस 3z प्लस 3a। अब ये तो 3 कॉमन लेके काट दोगे तो क्या मिल जाएगा, x प्लस y प्लस z प्लस a, आपने 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 नवैया 27, 3 दूनी 6 सॉरी क्या हो रहा है ये, 3 दूनी 6 कितना बचा 2, ठीक है 20 हो गया ना, फिर तो 3 6 18 3 9 27, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए का मान मिला 269 का मान क्या मिला 269। अब क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 180 है, तो 269 में से आपने 180 को माइनस किया तो आपको मान मिल जाएगा 89, 89 किसका मान मिलेगा, ये जो मान मिलेगा ए का मान मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, 269 में से 197 घटा लीजिए, आपने जैसे 197 घटाया तो आपको अगला मान मिल जाएगा, तो ये कितना 4 आप इसे घटाएंगे, तो जैसे आपने इसमें घटाया कितना 197, तो आपको कितना मिलने वाला है 69 और 3 मतलब 72, ऐसे ही चौथा और तीसरे मान भी मिल जाएंगे। करना क्या है, 2 269 में पहले ये माइनस करो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, आपको चारों मान मिल जाएंगे, x, y, z और a के मान मिल जाएंगे। उम्मीद है ये बात सीख गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन को करना है, टाइप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या है, एक 3 अंकों की संख्या 2a3, एक 3 अंकों की संख्या 2a3 में 326 जोड़ने पर एक 3 अंकों की संख्या 5b9 प्राप्त होती है जो कि 9 से भाज्य है, तो बताइए 5a माइनस 2b का मान क्या है। क्वेश्चन पूछा है 5a माइनस 2b का मान क्या है। अच्छा आप सभी को पता है कोई नंबर 9 से भाज्य कब होता है, जब वो संख्याओं का योग 9 से कट जाए।
तीन का नियम होता है अंकों का योग तीन से कट जाए, नौ का नियम होता है अंकों का योग नौ से कट जाए। नियम मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए, नियम सभी को आते होंगे। नौ नौ से कट गया पाँच, बी का मान चार और बी का मान चार तो इसका मान आठ आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ बी का मान चार आ चुका है, 549 मिला। अब क्या करें, इसने 336 माइनस कर लें, 326 माइनस किया, 9 में से 6 गया 3, 4 में 2 गया 2 और ये कितना मिला आपको 2 मिला, तो यहाँ से मिला हमें 223। जब हमें 223 मिला तो यहाँ से A का मान क्या मिला 2, A का मान 2 हमने यहाँ रख दिया, 5 दूनी 10, आंसर कितना 2, आपके क्वेश्चन का आंसर है 2। यहाँ पूछा था 5A प्लस 2B का मान, आंसर क्या है 2। तो उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। सवाल ये है, इस संख्या को इससे भाग दें तो शेष क्या है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बाइनोमियल का हुआ ना, थोड़ा दिमाग लगाइए। आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 3256 प्लस 1 की पावर 683। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर ये बताओ ये जो नंबर है इससे हमेशा कट जाएगा और प्लस की वैल्यू क्या मिली है 1 और 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या होता है हमेशा 1। ये आपके क्वेश्चन का आंसर जैसे बोला जाएगा कि 17 की पावर 200 को 18 से भाग दें शेष क्या है, तो 17 को क्या लिखोगे 18 माइनस 1, पावर कितनी है पूरी 200 डिवाइड बाई कितना है 18, 18 की पावर 18 से कट जाएगी। अब माइनस 1 की पावर नंबर कैसा है सम, तो प्लस 1 मिल जाएगा, तो आंसर क्या है 1। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है माइनस 1, आपके क्वेश्चन का आंसर है 1। अब देखो यहाँ पे अगर माइनस 1 बचता तो क्या होता, किस स्थिति में क्वेश्चन बनता, वो भी आपको मिलेगा तो समझा देंगे अभी, ठीक है। कह रहा है 84,159 के समीपतम संख्या कौन सी है जो 97 से भाज जो। बच्चे याद रखना, समीपतम में चेक करते हैं क्या पास में जोड़ना है कि घटाना, सुनना थोड़ा समझना। जैसे बोला जाए छोटी छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, अगर दो अंकों की छोटी संख्या की बात करें 10, बड़ी संख्या की 99, तीन अंकों की छोटी 3 अंकों की बड़ी, चार अंकों की छोटी और 4 अंकों की बड़ी, कितने भी अंकों की छोटी और बड़ी संख्या आप लिख सकते हो। अच्छा अब ये बताओ उसने बोला क्या है, इसकी समीपतम संख्या बताओ। देखो तो बड़े से बड़े में हमेशा घटाते हैं, तुम तो किसी नंबर से भाग दो अगर तुम्हें बड़ी संख्या निकालनी है तो जो रिमाइंडर मिलता है उसे क्या करते हैं घटाते हैं, बड़े से बड़े में ऐसा घटाते हैं और छोटे से छोटे में हमेशा जोड़ते हैं। जैसे बोला जाए 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या, अगर तुम 10,000 में या 1,000 में कुछ भी घटा दोगे तो संख्या हो जाएगी 3 अंकों की, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत। तो छोटे से छोटे में हमेशा जोड़ते हैं और बड़े से बड़े में हमेशा घटाते हैं। घटाते और जोड़ते क्या हैं सुने, तो कोई जितनी बार भाग गया वो ठीक है, जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर अगर घटाना है तो सीधे घटा देते हैं, जोड़ना है तो इन दोनों के बीच का अंतर को जोड़ते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच के अंतर मतलब जो भाजक है और जो भागफल है, सॉरी हाँ, जिससे भाग दिया गया ये और जिसमें जितनी बार रिमाइंडर जो है, इन दोनों के अंतर को क्या करते हैं जोड़ते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी करना क्या है, समीपतम में बोला है तो चेक करना है बड़ा पास में है कि छोटा पास में। जैसे 10,000 के समीपतम संख्या बताओ जो 840 से भाज जाओ, 10,000 के समीपतम संख्या बताओ जो 840 से भाज जाओ, क्वेश्चन बना। तो आपने 10,000 लिखा और इसे भाग दे दिया 840 से, तो 840 से कम 840 कितना बचा, 0,6,2,260 बचा। आपने यहाँ पे 0 से बढ़ा लिया, जब 0 आपने यहाँ पे बढ़ा लिया तो ध्यान दीजिए देखिएगा एक बार, सॉरी 8 में से 4 गया 6 और यहाँ पे क्या बचा 9 और 9 में से 8 गया कितना मिलेगा 1, ठीक है। तो ये बचा कितना 1600। अब 840 से कम 840, यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला 760। अब ये बताओ 760 तो घटाना होगा ना, उसने बोला समीपतम संख्या 10,000 के समीपतम संख्या, उसने ऐसा बोला 10,000 के समीपतम संख्या बताइए, आसपास संख्या बताइए, ठीक है। तो देखो यहाँ घटाना होगा 760, दोनों का अंतर क्या है 80, तो जोड़ना क्या होगा 80, समीप में क्या है 80 जोड़ना, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 1,10,080। ये आपके क्वेश्चन का आंसर, बड़े से बड़े में हमेशा घटाते हैं, छोटे में हमेशा जोड़ते हैं, समीपतम में चेक करते हैं जोड़ना पास में है या घटाना पास में। तो उम्मीद है ये बात सभी को समझ आ गई होगी, आप लोग कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि संख्या भाग, जोड़ते क्या है पता है ना, जोड़ते क्या है, जो रिमाइंडर बचता है वो घटाते हैं, तो जोड़ते क्या है, भागफल जितनी जिससे भाग दिया गया मतलब भाजक और जो रिमाइंडर मिला के बीच के अंतर को घटाते हैं। सेम वही मेथड है, भाग दीजिएगा जो रिमाइंडर बचेगा, जिससे भाग दिया है दोनों के अंतर को घटा दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इसमें छोटी छोटी संख्या क्या घटाई जाए, संख्या 287 से भाग जाए, भाग चला जाए, तो 287 से डिवाइड कर दो, जितनी बार डिवाइड हुआ जो रिमाइंडर मिला वही घटाते हैं, तो जो शेष मिलेगा वो क्या करते हैं, घटाते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, क्या है, 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या, आप सभी को पता है छोटे से छोटे में हमेशा जोड़ते हैं। अब कह रहे हैं 67 से पूर्णतः भाग जो, 67 से आप भाग देते जो जो अंत में बचा, ये बात तो समझ आएगी, शेष जो बचेगा। अब क्या करो, 67 और जो रिमाइंडर मिला इन दोनों का अंतर ले लो, जो इन दोनों का अंतर होगा वही क्या करते हैं उस संख्या में क्या करेंगे, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, आप लोग सॉल्व करना काम है आपका, चैप्टर सॉल्व आपको ही करना है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लिंक करना आपको ये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, 29 से भाग देने शेष क्या है, ये आप सभी को पता है 738 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, उस संख्या को 29 से भाग दें तो 29 एकम 29, 18 में से 9 गया 9 और ये कितना हुआ 19, आंसर क्या है 19, जिससे भाग दिया अगली बार जिससे दे रहा होगा 99% उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, मल्टीपल था क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, क्या है देखिए समझिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह संख्या 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी कि आरंभ में 180 से कम होती है, वह संख्या क्या है, पूछा है वह संख्या क्या है। कह रहा है एक संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है, तो 180 से संख्या ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, अधिक हो जाती है जितनी आरंभ में 180 से कम थी, आरंभ में संख्या 180 से क्या थी, कम थी, ऐसा उसने बोला। ठीक है, अब देखो ये है कितना 11x, ये कितना है x, इधर भेज दोगे 10x हो जाएगा, ये माइनस का 180 प्लस का 180 उधर भेज दिया तो क्या मिल जाएगा आपको 360, तो यहाँ पे x का मान क्या है 36, उसे पूछा फिर संख्या क्या है, तो आंसर क्या है 36। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा, सभी लोग कर पाएंगे, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, सारे क्वेश्चन लगाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, एक संख्या को 4 से भाग देने पर, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, एक संख्या को 4 से भाग देने पर ये भागफल और शेषफल का योग यहाँ पे 8 है, ऐसा उसने बोला है, उसके वर्गों का जो योग है वो 34 है, ऐसा भी क्वेश्चन में बोला है। यहाँ पे रिमाइंडर 4 से छोटा होगा, 3 ले लिया, ये बात क्लियर, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या होगा 5, उनके वर्गों का योग 34 सेक हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 34 सेक हो गया। आप यहाँ 6 और अगर 2 लेते हैं, मन में क्वेश्चन आएगा, लेकिन 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, उसने बोला है उनके वर्गों का योग 34 है, तो 6 से कम ही होगा, और यहाँ पे 4 से 6 से तो कम ही होगा, और यहाँ पे क्या 4 से कम होगा, तो 3 लेके चेक किया, 5 और 3 से बन गया 5 चौको 20 3 23, आपके क्वेश्चन है 23, संख्या कौन सी है 23। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 है, तो संख्याएं याद करिए। ठीक है, तो रेशियो बोला है ना, तो हमने इसे माना 2x 3x और 4x, वर्गों की बात करता है, तो ये हो गया 4x², ये हो गया 9x², ये हो गया 16x² का मान आपको बोला है 116, कितना बोला है 116, तो क्या हुआ 16 9 25 25 4 कितना हुआ 29, x² का मान 116, इससे भाग दिया 4 तो x का मान 2 आ गया, जब x का मान 2 आ गया, 2 यहाँ रख दिया तो 4, ये 6 और ये 8,
चार छः और आठ संख्याएं क्या हैं, चार छः और आठ, ठीक है। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा, सभी लोग कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चन केवल देख के करने होते हैं, अगर आपको पहले पढ़ चुके हैं इसका आंसर आएगा दो। कैसे आएगा, ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए। देखो जैसा कि आप सभी को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। फिर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। आपने दोनों को जोड़ा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब दोनों को आपने ऐड किया कट जाएगा, क्या मिला टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने जब इनको माइनस किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको क्या मिल जाएगा फोर ए बी। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब सुनना ये क्वेश्चन क्या लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा दो। इससे तो बस यही क्वेश्चन लिखा है जहां a का मान है 729 और b का मान है 187। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा अगर करना चाहें तो, बहुत आसान चीज है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है वो बोला है ए क्यूब, ए क्यूब क्या लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि आप सभी को पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जैसा कि आप सभी को पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो ये होगा आपका ए प्लस बी फिर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूले आप सभी को मालूम है, आपने जब इसको लिखा तो क्या लिखा, इसको आपने लिखा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन में लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कट गया क्या बचा ए माइनस बी। ए का मान है 824 और बी का मान है 395, आपने इसको माइनस किया 14 में से 5 गया 9, 11 में से 9 गया 2 और 7, आपके क्वेश्चन का आंसर 429। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे और सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट समझ लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो लिखा है ध्यान से देखिए, ये लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अपॉन में भी यही लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कट गया आंसर क्या है ए प्लस बी। अब ए का मान क्या है 917 और बी का मान क्या है 283, क्वेश्चन का आंसर 1200। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये था आरएस अग्रवाल की एक्सरसाइज बी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी मैं आपको एक्सरसाइज ए करा रहा हूँ, अब आरएस अग्रवाल की ए भी लगाओ बी भी लगाओ, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको टिक करो। मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक एक सवाल पूरी किताब का। अगली जो एक्सरसाइज होगी वो होगी एलसीएम एसएफ की एक्सरसाइज बी, ठीक है। थैंक यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू।